उसके साथ काम करें बस। कभी ये दिल किया है जिंदगी में कि रीस्टार्ट का बटन होना चाहिए? बिल्कुल किया भी है, दिल भी किया है और किया भी है रीस्टार्ट। दिस इज माय न्यू लाइफ और ये दिस चैप्टर ऑफ माय लाइफ इज फॉर अम्मा। मेरा नया चैप्टर है, मैं अभी बहुत फ्रेश एंटर हुई हूँ एंड आई बिलीव कि हाँ मैं रोती हूँ, आई ब्रेक डाउन एंड आई हैव इमोशनल एपिसोड्स, इट्स वेरी नेचुरल, इट विल कम टू यू, बट जिसमें इसमें जो सक्सेस मिल रही है ना मुझे कदम कदम पे, मैं अगर अम्मा की तरफ जाऊँ और फातिहा पढ़ूँ और मैं वापस निकलूँ और मेरा कोई काम होना शुरू हो जाए, कहती हूँ अच्छा अब आप वहाँ जाके ज्यादा तेजी से काम करवा रही हैं, सो इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। आपको कभी जिंदगी में हुआ कि हाँ भी रीस्टार्ट का एक बटन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रीस्टार्ट का बटन होना चाहिए कि मैं जाऊँ और दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ सब कुछ। तो कितने रीस्टार्ट होंगे, जवान तो है माशाल्लाह। I'm happy what I am. I don't need to push the button. कोई एक ऐसी गलती जो आपसे हुई और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा वो गलती ना करे? Okay, I would not say that. गलती और आपने हल्फ लिया हुआ है जी, तो हाँ मुझे फंसा दें ना, फंसा नहीं दे। सवाल है हम बजा अच्छा, सुनिए मैं दूसरों के लिए खुश होती हूँ बस, बट आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, आई डोंट पर्सनली बिलीव, बट आई एम हैप्पी फॉर पीपल हु आर हैप्पी इन अ मैरिज रिलेशनशिप, बट आई वुड नॉट चूज इट फॉर माय सेल्फ, सो आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वन शुड बी ऑनेस्ट। तो आपको ये लगता है कि अकेले जिंदगी गुजारना ज्यादा आसान है? आपको अगर लगता है कि आप खुश हैं अपने आप के साथ तो वो एनर्जी ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप किसी और के साथ रहकर उसकी भी एनर्जी खराब करें, अपनी भी एनर्जी खराब करें और फिर सारे जो आपसे मिलेंगे ना वो भी आप खराब ही हो जाएंगे सब। तो आप खुश रहें जब तक रह सकते हैं। जावेद साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर, कोई ऐसी गलती जो आपने की और आप चाहते हैं रिपीट द क्वेश्चन प्लीज, कोई ऐसी गलती जो आपने की और आप चाहते हैं कि कोई और वो गलती ना करे? जी हाँ, मैंने मेरी गलती ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा और मैं बड़ा शाह खर्च आदमी अपनी लाइफ में रहा हूँ फ्रॉम द डे वन। या आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन माई क्लोथ, माई शूज, माई बैग, माई वॉचेज, होटलिंग, ट्रेवलिंग, लाइफ अनबिलीवेबल। जो मैंने कर दिया है वो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा करे, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, बहुत पैसा कम किया, इसका मतलब है? बचाया कम पैसा। यस तो अब 2-3 साल में मैंने अपना सारा सिनेरियो चेंज कर दिया है और मगर मैं अल्लाह ताला से हर नमाज में माफ़ी मांगता हूँ। जब मैं अपने वार्डरोब खोल के, अभी मैं लंदन जा रहा हूँ परसों, लिस्ट दे दूंगी चीजें लाने की, हम अवार्ड्स मैं लिस्ट दे दूंगी चीजों की, दिए अगर वो चेक देंगे तो मैं ले आऊंगा। ठीक है। तो वो चीजें जब मदिया देखता हूँ ना तो वो मैंने वो लड़का ला रहा था जूते, लाइन लगी हुई है, कोट, मेरे जैकेट फलाना डिमकाना, कुछ ऐसे है जिनके टैग भी नहीं उतरे हुए, तो मैं अल्लाह मुझे माफ़ करना, आइंदा ये नहीं करो। ये ज्यादती पैसे के साथ संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, बस मुझे तू माफ़ कर देना, आइंदा ये नहीं करूँगा, और वाकई नहीं कर रहा, बट वो उसकी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं लोगों से कहूँगा ऐसा मत कीजिए। दिल की सुनती है दिमाग की? दोनों सुनती दिमाग की हूँ, करती दिल की। डीप यो दिमाग करे फिर फायदा मेरा फसा दिया मेरा जब कर, बट वो ही तो मेरा डेविल्स एडवोकेट है, वही बताता है कि वो गलती नहीं करनी। आप दिल की तरफ से बिल्कुल सी शी इज राइट, मैं सिस्टर ढूंढूंगा। वो एक शख्स कौन है आपकी जिंदगी में जो आपको सही मानों में जानता हो, जिससे आप हर बात शेयर करते हो? एक शख्स, नॉट ग्रुप ऑफ पीपल, वन, एक शख्स। My mentor, my guru, she is from India. Her name is Manju. And she has known me for so long कि वो मेरी हर डार्क सीक्रेट से वाकिफ हैं। वो मेरी बात अगर सुनती हैं तो उनकी खूबसूरत तरीन बात यह है कि वो मुझे जज नहीं करती। और जब सब आपके बहरोज सब द्वारे हम 40 साल से ज़्यादा 43 ईयर्स हो गए हमें, ज़्यादा बल्कि तो हम एक साथ हैं और दोस्त हैं और 38 ईयर्स हो गए वो मेरे ब्रदर इन लॉ, तो वो
ऐसे शख्सियत हैं जिनको मेरे बारे में ए टू जी पता सब कुछ। कितने मजे की बात है, ये दोस्ती भी इनकी है और ये साला बहनोई भी हैं, और साले बहनोई तो पता ही नहीं चलते ना, हाँ, आप किसी साथ देख लेने हैं तो आपको लगेगा आप बिल्कुल ऐसे ही 16 साल के दो बच्चों को देख रहे हैं ऐसे ही कुछ ऐसे ही। मुझे छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत मजी प्यारी प्यारी बात कहीं मजा आएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक, जनाब हम फाइनली वहां से उठ के जरा आगे, क्योंकि मैंने देखा है, नोट किया कि भाई ओथ लिए बगैर भी लोग सच्ची बोल रहे थे ना, तो मैं उनको ना जरा ओथ वाली कुर्सियों से वापस लेकर अब सोफे पर आ जाती हूँ। बट उससे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी जनाब साहब, आई रियली लाइक योर शर्ट, बड़ी जबरदस्त है। यस, ये मैं कहूंगा कि मैं अपना ब्रांड शुरू कर रहा हूं। हैं? यस, दिस इज माय ओन ब्रांड शर्ट। Wow. Yes. क्या बात है? Dressing by Javed Sheikh. If you can see. जरा 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 सामने, जरा सामने, जरा yes. जरा सामने खड़े होके तो जरा दिखा दे जावेद सर, जरा आप भी ब्रांड इतने मजे की, या अल्लाह। Oh my God, you look so nice, Javed. Yes. So this is my brand. और बहुत जल्द इसको लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। बस कर दे ना, कब से शूट हो भी गया था आप कर रहे हो, हम लॉन्च आपने पहले कर रहे हैं, वो एक दफा फिर आऊंगा आपके पास और बहुत से लोगों को लेके आऊंगा, मैं आपके साथ आऊंगी, उसको हम उस दिन मैं भी आपके ब्रांड के कपड़े पहनूंगी, बस हम आज सब आपके कपड़े पहनेंगे। तो उसमें बहुत सी चीजें हैं, ये हवाइन शर्ट्स है, कुर्ते हैं, सलवार कुर्ता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बस यस, every time touch wood, Allah mashallah zabardast bhi jaye, lekin Javed sahab jab bhi mere show par aate hain, ye main hamari team hum discuss karte hain ki bhai mere bade blessed hai, Javed sahab hum ek nayi cheez de ke jate hain jo Javed sahab ne waqai na mashallah kai baar bhi discuss bhi nahi ki hoti। Acha वैसे मुझे एक बात बताएं Javed sahab, कि पिछले हमने देखा कि मोमल एक इंटरव्यू पे गई हुई थी और मोमल से पूछा गया तो और कहा गया मोमल को कि जी हाँ आप लोग तो ना पाकिस्तान की वो कपूर फैमिली वाली जो बात हुई थी वो इस तरह से बात की गई थी और वो बात मोमल ने शुरू भी नहीं की थी, वो पूछी गई थी मोमल से, लेकिन उसको हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़ा ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप लोग ऐसी ट्रोलिंग को सीरियस लेते हैं कि भाई किसी ने कोई बात की है तो यहाँ पर लोग शुरू ही हो जाते हैं? ना मैं इस तरफ ध्यान देता हूँ और ना मुझे फ़र्क पड़ता है, कुछ भी बोले कुछ बात, मैं यहाँ से ठीक हूँ, यहाँ से ठीक हूँ, उस पर यकीन है, दैट्स ऑल। मे आई से समथिंग, बिकॉज सर तो वैसे भी नहीं देखते, बीइंग देखे ना आपके दोस्त कह चुके कि जावेद साहब इंस्टा पे जरा देख ले कोई तो नहीं देखते, लेकिन अगर मैं मोमल को अपनी बहन और दोस्त बोलती हूँ, सो फ्रेंड्स आपके वो होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करें और आपके बारे में आपकी साइड लें जिस कमरे में आप ना हो, इन योर एब्सेंस। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसका नाम आ रहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है एज अ फ्रेंड कि मैं ये बोलूं कि उसने क्या कहा, उसने क्या नहीं कहा, वो बात बरतरफ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं और आप जैसे जो हम सोशल मीडिया पर जब बैठते हैं तब वो जहर जो हमारी जिंदगियों से हमें मिला होता है, हम अगले के ऊपर यूं उगलते हैं जैसे कि हमने कभी किसी के बारे में या हमसे कभी कोई गलती ना हुई हो। एक दूसरी बात ये, आपने जिस तरह कहा उस बात की तस्दीक मैं करूंगी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, पूछा जो एंकर थी उन्होंने कहा था, उसने कहा था अब एक फैमिली है बड़ी, ठीक है, सलीम भाई के साथ मैंने काम किया, बरोस सर के साथ मैंने काम किया, जावेद सर के साथ मैंने काम किया, भी कहता वो कोई बुरी नहीं है, वो भी सेलिब्रेट ही किया जा रहा था फैमिली को, जब एक फैमिली है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी फैमिली नहीं है? सब लोग जानते हैं, उनकी वीडियोस देखी जाती हैं, कोई कर रहा होता है सलीम सर की कोई वीडियो है घर की, शादी की, दावत की, बच्चियों की शादी हुई, सलीम भाई के बच्चों की शादी हुई, कुछ भी, बेरोज की हो, शहरोज की हो, सदफ की हो, मेरी हो, शहजाद की हो, मोमल, इट्स अ बिग फैमिली, नो डाउट, एंड एवरीबॉडी नोज इट। सो वो बेसिकली मेटाफोरिकली यूज किया गया था कि यार आ फैमिली दैट एवरीबॉडी नोज, हां इसी से माया एग्जैक्टली, मैंने यही पूछा आपकी बात काटते हुए, मैंने यही पूछा और मैंने बात भी यही की है कि उन्होंने बात नहीं की थी, पूछा गया और ऑफ कोर्स वो सवाल भी एक अच्छी नीयत में पूछा गया था, बट वो जो ट्रोलिंग कल्चर शुरू हो गया ना, और मैं हमारी बात
जो एक आम लोग जो बैठ के देख रहे हैं तो कब एक, क्योंकि एक एक्टर बड़ा सेंसिटिव होता है, वो अपनी सारी उम्र आप ही को एंटरटेन करने के लिए और आपसे मोहब्बत कमाने के लिए काम कर रहा है, और जब वो देख रहा होता है सो वेरी वेल सेड, हां बिल्कुल सही है, क्या चीज सामने तो मध्य क्या जरा मुझे मैं बताती हूं मैं, हां अच्छा सवाल ये था, उन्होंने कहा कि आप तो क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी फैमिली, आपके भाई, आपके वालिद, आपके फूफा वाले सब काम कर रहे हैं, तो आप तो अगर देखा जाए पाकिस्तान की कपूर फैमिली है ना, तो वो ये कैसे बात है, हां एंकर ने बोला, एंकर ने आजा फिर करने, तो फिर ऑफ कोर्स वो इसी चीज बात शुरू हुई, तो आई बिलीव मोमल ने क्या कहा, मोमल ने ये नहीं कहा कि हाँ हम कपूर फैमिली, मोमल ने कहा एवरीबॉडी यू नो नोज, मैंने वो क्लिप एग्जैक्टली नहीं देखा स्पेसिफाई, बट मैंने उस वक्त देखा कि मोमल ने ये नहीं कहा था, अच्छा तो फिर ट्रोलिंग किस बात की, उसी तरह से मशहूर है, तो ये बात थी बस, उस बात को बेसिकली टर्न ये किया गया कि मोमल शेख कह रही है कि हम तो पाकिस्तान की कपूर फैमिली है, तो अब ड्राई का पहाड़ बनाना तो बना लीजिए आप, वो उसके ऊपर से ना वो सफारी करते हुए निकल जाएगी, नहीं वो देखो, वो देखो मैं तो आज कह रहा हूँ वो कपूर फैमिली है, ये शेख फैमिली, ये जो मैं बोला था बात है? मैंने भी यही बोला था, आप शेख फैमिली है तो है, आठ दस लोग हैं, दस लोग इस वक्त, उसने कहा शेख एंड भाई, वो तो कह रहे हैं तीन हम हो गए, तीन हो गए बैरोज, चार शहरोज, पांच सदफ, छह मेरी बहन सफीना वो अलकरम का भी कर, सात सलीम शेख, आठ सलीम की बेटी, तो नौ दस बंदे तो ये घर में ही होंगे, तो आप बताइए, तो और बताइए, बेसिकली मोमल ने कहा कि शेख्स और सब्जवारी, उसे सही नाम लिया ना, बात बताया, अच्छा हमारे यहाँ क्या, अगर मैं उसमें देखूँ हमसाए मुल्क में देखूँ, तो वहाँ पर होता है कि जो सुपर स्टार के बच्चे होते हैं जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो उन पर ना बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको ये भी होता है कि हाँ जी वालिद साहब मेरे सुपरस्टार है, मेरा बाप सुपरस्टार है, तो मुझे एटलीस्ट अपने आप को ही प्रूव करना पड़ेगा, और क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपके बेटे शहजाद को और मोमल को ये प्रेशर, इस प्रेशर से गुजरना पड़ा है? यस यस मैं समझता हूँ, और दोनों ने जब मैं सेट पर जाता हूँ ना अब काम करता हूँ, तो जिनके साथ उन्होंने काम किया होता है वो मुझे बताते हैं कि यार वो आपके बेटे के साथ काम किया, क्या बात है, क्या मजा आ गया भाई, वो तो जितने स्टाफ के लोग हैं, एक दफ़ा वो खाना खा रहे थे बाहर गर्मी में और उसको सबको निकाल दिया था घर से, तो शहजाद उनके साथ बैठ के बाहर खाना खा रहा था, तो ये जब बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसी तरह मोमल की बात है कि यार मोमल कितनी प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ मिल के काम करती है, तो वो मुझे इन चीज़ों से बहुत खुशी होती है कि भाई जो उनके बाप ने किया सारी जिंदगी, आज तक मेरा किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि लोग उसको डिस्कस करें, मैंने तो हमेशा प्यार बांटा है और प्यार दिया, क्या बात है।